वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगले जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन प्रभु ने कहा मेरे बच्चों से पूछना कि क्या वास्तव में इन्होंने मेरे लिए घर बनाया है या नहीं, क्या इन्होंने वास्तव में मेरे लिए चरनी सजाई है या नहीं, क्या वास्तव में इन्होंने मेरे लिए गौशाला बनाई है या नहीं। प्रियजनों, हमने बात की प्रभु के अनोखे प्रेम की, परमेश्वर का नूर जो गौशाला में चमका, काश ये आपके हृदय में चमक जाए तो जिंदगी संवर जाए, इधर उधर भागने दौड़ने की जरूरत न पड़े। पिता का ये नूर आपके हृदयों में चमकने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने गौशाला बनाई है। अवश्य बनाई होगी, घर के कोने में खूब अच्छी तरह से सजाया होगा, अच्छा सा क्रिसमस ट्री सजाया होगा, अच्छा सा स्टार भी बना के घर में टांगा होगा। पर कई लोगों के घर और पार्लर्स तो पूरे क्रिसमस के डेकोरेशन से भरे हुए होंगे। जरा मन का तीरथ करके देखिए कि क्या वो गौशाला सचमुच में हृदय में बनी है या नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जो आदि में शब्द था, बाइबल में बताती योहन लिखता है, और ये शब्द परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। वो मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ, वो साक्ष्य के रूप में आया जिससे कि वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। तो प्रभु यीशु पिता के मुख से निकला हुआ वो शब्द है जो आदि अनंत अल्फा ओमेगा सदा एक रूप रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो पिता के प्रेम को हम सभी लोगों को दिखा सके, ईश्वर की महिमा हमारे बीच में प्रकट करे, ईश्वर कैसा दिखता है हम यीशु के द्वारा जान जाएं। वो मुझे और आपको उद्धार देने के लिए आया, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर का नूर जो यीशु मसीह इस दुनिया में उस बियाबान रात में उस गौशाले में जहां पर एक चरनी थी, नांद थी, उसमें चमका। प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग जो मसीह के विषय में नहीं जानते हैं, उनके सवाल है कि आखिर यीशु चरनी में क्यों पैदा हुआ, उसे और कहीं जगह क्यों नहीं मिली। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि उन्हें सराय में किसी भी व्यक्ति ने उन्हें जगह नहीं दी, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। अंत में उनको एक गौशाला में जगह मिली और वहां पर मां मरियम ने यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटा दिया। जानते हैं चरनी की खासियत क्या है? आपने देखा होगा जिनके घर में पशु हैं, तो पशु जब नांद में खाना खाता है या चारा खाता है तो उसे अपना सिर झुकाना पड़ता है,
उस चरनी के अंदर जो चारा पड़ा हुआ होता है उसमें जानवर अपना सिर झुकाता है और उसको खाता है और उससे अपना पेट भरता है। तो यीशु मसीह के चरनी में पैदा होने का यह भी एक प्रतीक है कि जो कोई व्यक्ति यीशु के वचन को खाएगा उसे जीवन मिलेगा। जब वो चरनी के पास जाएगा तो उसे झुकना होगा, उसे आदर सत्कार और विनम्रता से प्रभु के चरणों में हाजिर होगा तो उसे जीवन मिलेगा। इतना ही नहीं, सबसे पहला दर्शन परमेश्वर ने पशुओं को दिया और उसके बाद उन गडरियों को जो रात की ठंडी बर्फीली रातों में अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी योजना के मुताबिक उस चरणी में जन्म लेने के लिए भेजा, जिससे कि वो हमारे हालात को जाने, आपके हालात को जाने, आपकी परिस्थिति से वाकिफ हो कि आप कैसे जीते हैं। वो आपको देखने के लिए आया। शायद यदि वो एक बहुत बड़े महान व्यक्ति के रूप में आता या राजा के रूप में आता तो लोग उसे पहचानते नहीं, लोग उसके कामों को जान नहीं पाते, लोग उसकी दीनता को पहचान ना सकते थे। इसलिए परमेश्वर की योजना के मुताबिक, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह उस गौशाला में आया और गौशाला की अपनी खासियत है। पुराने जमाने में हम जानते हैं कि गौशालाएं गुफाओं में हुआ करती थी। मुझे जब यरूशलेम जाने का मौका मिला तो वहां पर प्रभु की जन्मस्थली, जिस जगह पर मां मरियम ने यीशु को प्रसव किया था, उस जगह को देखने का मौका मिला। वो जगह आज भी वैसी ही है, प्यारे भाइयों और बहनों, उसको प्रिजर्व किया गया है। जितने लोगों ने बेतलहम में उस जगह को देखा है वो आज भी गुफा के अंदर वैसी ही है, इंटैक्ट है। यदि मैं आपसे एक और सवाल करूं कि क्या वास्तव में आपने अपने घर में चरनी बनाई है, तो आप कहेंगे जी हां फादर, हमने अवश्य चरनी बनाई है। पर संत पिता अलेक्जेंडर कहते हैं कि क्या फायदा यदि यीशु इस दुनिया की हजार चरनियों में जन्म ले ले परंतु मेरे हृदय में जन्म ना ले, तो ऐसी क्रिस्त जयंती से क्या फायदा। यदि आपके घर में या आपके परिवार में या खानदान में चार चरनियां या दस बनी हुई हैं और उसमें यीशु लेटा हुआ है, बालक यीशु की प्रतिमा वहां पर रखी हुई है, और यदि वो आपके हृदय में जन्म नहीं लेता, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी तमाम चरनियां बनाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें उस व्यक्ति को जानना पहचानना है कि वास्तव में उस चरनी में लेटा हुआ वो व्यक्ति वास्तव में वो कौन है। इसलिए मैंने कहा कि क्रिसमस एक अनुभव है और उस अनुभव को हमें जानने की आवश्यकता है और उस अनुभव को लोगों के साथ बांटने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले कि यीशु मसीह कौन है, यह हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। पिता के मुख से निकला हुआ शब्द है, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा। उसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। वो सच्चा चरवाहा है, वो सच्चा मेमना है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो पिता का अबदी नूर है, कायनात बनाने वाला है, असली और अबदी है, वो सच्चा है। यीशु कायनात बनाने वाला, संभालने वाला, उसे चलाने वाला, न्याय करने वाला है। यीशु खुदा है। इब्राहिम के पहले वो विद्यमान था, सृष्टि के पहले से वो विद्यमान था। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। यीशु आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं है जो उसके प्रेम की लंबाई चौड़ाई को नाप सके, प्यारे भाई और बहनों। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसकी मोहब्बत को परख सके या उसके इरादों को जान सके। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो कि उसके ऊपर साबित किया जा सके। यीशु खुदा का बेटा है, उसके जैसा ना तो कोई है ना तो कोई होगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि यीशु असली, अबदी और सच्चा है,
वो प्रभु इस दुनिया में उस गौशाला में उसने जन्म लेने की कृपा की। इसलिए मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम वो गौशाला अपने हृदय में बनाएं, क्योंकि वो हमारे हृदयों की थाह लेता है, हमारे हृदयों की बातों को जानता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की इच्छा यही है। हम योहन के तीसरे पत्र अध्याय 1:2 में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि मेरी हार्दिक कामना है कि आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। बस परमेश्वर यही करने के लिए आसमान से धरती के ऊपर उतरा। हमने प्रभु के जन्म को बड़े समारोह के साथ मनाया है, हमने बहुत सारे जश्न मनाए हैं क्रिस्त जयंती के अवसर पर, परंतु अपने आप से पूछकर देखिए कि क्या वास्तव में प्रभु यीशु ने मेरे हृदय में जन्म लिया है या नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि इस बात को जानना अनिवार्य है कि यीशु कौन है और क्यों इस धरती के ऊपर आया। और मैंने आपसे कहा कि यीशु कमजोरों की ताकत है, उनका हौसला है, गुनाहगारों को बचाने वाला प्रभु है, पापियों की वह नजात है, बीमारों को वह शिफा देता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पांव, गूंगों को वाणी, मफलूसों को बहाल करता, मुर्दों को जिंदा करता, बदरूहों को निकालता और कोढ़ियों को शुद्ध करता है। ये वो प्रभु है प्यारे भाइयों और बहनों, जो ये कहता है कि पानी अंगूरी में बदल जाए तो ऐसा ही होता है, यदि वो कहता है तो सब कुछ हो जाता है। वह गुनाहगारों को माफ करता है, कैदियों को आजाद करता है, जिंदगी की रोटी है और नजात का दरवाजा है। वो रास्ता है, वो सत्य है, वो जीवन है, दुनिया का अबदि नूर है, पिता का नूर है प्यारे भाइयों और बहनों, जो कि चरनी में चमका है। वो कयामत और जिंदगी है, अच्छा चरवाहा है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, अबदियत का शहजादा है। वो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु इस संस्कार के रूप में, पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में हाजिर है, जिसने चरनी में जन्म लेना स्वीकार किया, उसने आपके लिए निर्धन बनना स्वीकार किया। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं। वो कोई संत महात्मा नहीं है, परंतु पिता से उत्पन्न है, आत्मा से उत्पन्न है और मेरी और आपकी नजात लेकर इस दुनिया में आया है। उसका जुआ बहुत हल्का और मुलायम है। लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षा बहुत कठिन है, उस पर कौन चलेगा। इसलिए कई लोगों ने कहा कि ये तो शिक्षा बहुत कठिन है, इसे कौन मानेगा, कौन इस पर चल सकता है, हम इस पर नहीं चल सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जान लीजिए कि प्रभु ये कहता है, मेरा जुआ हल्का है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यीशु को कायम रहने के लिए मेरी और आपकी जरूरत नहीं, परंतु मुझे और आपको बने रहने के लिए उसकी जरूरत है। इस दुनिया को बने रहने के लिए उसकी जरूरत है प्यारे भाइयों और बहनों। राजा हेरोद उसे मार डालना चाहता था, लेकिन ऐसा कर ना सका। फरीजी उसका मुकाबला ना कर सके, शास्त्री उसके सामने टिक ना सके, मौत और कब्र उस पर जोर ना चला सकी, इसलिए कब्र ने भी अपना मुंह खोल दिया। वो मर गया था, पर कब्र और मौत पर उसने फतह पाया, उसने शैतान को कुचला, उसके कामों को कुचला। ये वही है जो पिता के दाहिने बैठा है, जो प्यारे भाइयों और बहनों चरनी में जिसने जन्म लिया है। इसलिए बाइबल कहती है फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि यीशु कौन है, तो इस वचन को पढ़ना। ये प्यारे भाइयों और बहनों आपके लिए उन रहस्यों को खोलेगा और पवित्र आत्मा आपको उन रहस्यों को समझाएगा और आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देगा। तो मैंने आपसे कहा कि जान लीजिए कि वास्तव में प्रभु कौन है, वो क्यों इस दुनिया में आया है। वो मेमना और चरवाहा दोनों एक ही है। वो भला गडरिया है
हरी चराइयों में लेकर चलता है। मैंने कहा कि मफलूसों को बहाल करता है, दुखियों को दिलासा देता है, सांत्वना देता, अपूर्व परामर्श दाता है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। ईशा नबी के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि वो अपूर्व परामर्श दाता है। हमें एक पुत्र मिला है, शक्तिशाली ईश्वर है, शाश्वत पिता है, शांति का राजा है, दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय, धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्व मंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु क्यों इस दुनिया में आया? ये पिता की योजना थी कि आदम ने जो स्वरूप खो दिया था, उस स्वरूप को फिर से पाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इंसान जो ईश्वर से दूर भटक गया था, उससे जुदा हो चुका था, उसे जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इसके लिए ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर प्रायश्चित करे और मनुष्य को फिर से शैतान के वश से छुड़ाए, उसकी गुलामी से उसे आजाद करे, और इतना ही नहीं वो मौत पर फतह पाए। और ऐसा हुआ प्यारे भाइयों और बहनों। यीशु ने अपने आप को इतना दीन बनाया, इतना उदार बनाया कि उसकी उदारता मेरी और आपकी सोच के परे है। उसकी उदारता मेरी और आपकी सोच के परे है। जब उसे सलीब के ऊपर बर्छी से छेदा जा रहा था, तो उस समय जब उसे कीलों से ठोका जा रहा था, तो सलीब से वो कह रहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना उदार था, इतना क्षमा करने वाला, इतना सहनशील था। ये उसके गुण है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैंने कहा कि उसके प्रेम की गहराई को ना तो कोई पैमाना आज तक नाप सका और ना ही कोई नाप सकेगा। उसके प्रेम की लंबाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि मैं और आप उसे समझ नहीं सकते हैं। वो हमारी सोच के परे हैं। इसलिए अनायास ही लोग सवाल करते हैं कि आखिर उसने अपने आप को सूली पर मरने क्यों दिया अगर वो ईश्वर का बेटा था। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने अपने आप को इसलिए कुर्बान किया क्योंकि वो पिता का आज्ञाकारी बना रहा। बस इसलिए वो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया। वो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। तो हमारी मानवीय सोच प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ही ज्यादा सीमित है। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम निराश हो जाते हैं जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। उन बातों को हम विश्वास नहीं कर पाते जो कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। तो प्रभु यीशु चरवाहा बनकर इस दुनिया में आया, खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया। और बाइबल कहती है कि जब चरवाहा खोई हुई भेड़ को ढूंढ लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसे कंधों पर उठाकर लेकर जाता है और मित्रों के साथ क्या करता है, आनंद मनाता है। ऐसा एक सुंदर उदाहरण हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उड़ाऊ पुत्र के विषय में, कि किस तरह से पिता अपने उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में जो खो गया था उसके लिए इंतजार करता है, उसे क्षमा करता है, नए वस्त्र पहनाता है, पैरों में जूते पहनाता है, हाथ में अंगूठी पहनाता है, उसे अच्छा कुर्ता पहनाता है, गले से लगाता है। ये प्रेम यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिखाया प्यारे भाइयों और बहनों। उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 11 में कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। इसलिए वो अपनी खोई हुई भेड़ों की सुध लेने के लिए इस दुनिया में आया। और प्यारे भाइयों और बहनों, इमैनुअल बनकर उसने हमारे बीच में निवास किया। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस बलिदान के लिए, आपके इस बलिदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए हमें उस चरनी की ओर चलना चाहिए।
हमें उस गौशाला की ओर जाना चाहिए जो हमें पिता से मिलाती है, और अपने हृदय को उस गौशाला को बनाना है, अपने घर को उस गौशाला को बना लीजिए। याद कीजिए, जहां जहां यीशु रहता है वहां जीवन है, वहां उन्नति है, वहां आशीष है, वहां बरकतें हैं। आज जानते हैं दुनिया उदास क्यों रहती है, निराशा में क्यों रहती है? उनके पास सब कुछ है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, बिस्तर है, पैसा है, मित्र हैं, सहयोगी हैं, पत्नी हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्यारे भाइयों और बहनों, उनके जीवन में खुशी नहीं है। उनके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, तनाव है, मनमुटाव है। दुनिया की हर चीज होने के बावजूद इंसान उदास क्यों है? जरा इस बात पर आज मनन चिंतन करके देखना। जानते हैं क्यों उदास रहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं है, उनके जीवन में पवित्र वचन नहीं है, उनके जीवन में पिता का आशीर्वाद नहीं है। बस यही है प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी उदासी और निराशा का कारण, कि उनके पास जो अनंत जीवन और अनंत खुशी देने वाली चीज पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा है, वो उनके जीवन में नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप करके देखिए, क्योंकि प्रभु इस बात को चुनौती देता है। परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। यदि किसको शक है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो परमेश्वर आपको खुली चुनौती देता है कि तुम मुझे इसमें परख कर देख लो। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3:10, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। बाइबल हमें बताती है कि तुम इन सब बातों में मुझे परख कर देख लो। कहता है कि तुम अपनी भेंटें मेरे मंदिर में लेकर आओ, जिससे कि किसी चीज की कमी न रहे। अध्याय 3:6 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है, हे याकूब, मैं कभी बदलता नहीं, मेरा प्रेम कभी बदलता नहीं। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, तू ना बदलता है, तेरा प्रेम ना बदलता है। और इसी वचन को हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर यह कहता है कि मैं नहीं बदलता, इसलिए हे याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। अगर मैं बदल जाता तो शायद तेरा विनाश हो जाता है। इन शब्दों का अर्थ यह है, अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उनका पालन नहीं करते। तुम मेरे पास लौट कर आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। तुम पूछोगे हम कैसे लौटें, आप पूछेंगे कि हम कैसे गौशाला बनाएं, आप पूछेंगे कि हम कैसे चरनी बनाएं, हाँ पूछेंगे कि हम कैसे क्रिसमस मनाएं, तो प्रभु ये कहता है तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। कहता है क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है, फिर भी तुम मुझे ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं, तो कहता है तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ तुम्हारे सारे राष्ट्र पर श्राप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे कि मेरे घर में भोजन रहे। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है इसमें मुझे परख कर देख लो कि मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करें, जिससे कि दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। ये टिड्डियां क्या है, ये टिड्डियां क्या है? ये हमारे जीवन में ऐसी चीजें जो हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं। नशा भी एक टिड्डी के रूप में जो आपके जीवन को शायद नष्ट कर सकता है। बुरे रिश्ते, गलत संगति भी एक टिड्डी के समान हो सकती है जो कि आपके जीवन को, परिवार को बर्बाद कर सकती है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये भी प्यारे भाइयों और बहनों इन टिड्डियों के समान हो सकती हैं
जो आपकी भूमि अर्थात आपके घर, आपके बच्चों को और आपके जीवन को नष्ट कर सकती हैं। प्रभु, विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। बोलिए आमेन। आमेन। हम इस गीत को गाएंगे, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, बस तू ही वो खुदा है जिसकी हम आराधना करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर धरती पर आया, इमैनुअल बनकर हमारे बीच में उसने निवास किया और आज भी महिमा में शरीर में वो हमारे बीच में रहता है। बोलिए आमेन। आमेन। तो पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, जो दिन मैंने निश्चित किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। बोलिए आमेन। आमेन। ये परमेश्वर का वादा है कि मैं भी उन पर दया करूंगा, जो दिन मैंने निश्चित किया है उस दिन मैं उनके ऊपर दया करूंगा, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं, और वो नूर, वो धर्म का सूर्य, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए चरणी में आया है, जो कभी नहीं बदलता है, जो हमेशा एक रूप रहता है, सदा एक रूप रहता है, जो आपको निरंतर ब्लेस करता है, अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस प्रभु की महिमा करें। I'm not afraid to die।
क्षण के लिए मौन रहें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को महसूस करें। प्रियजनों, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। अपने मन, अपने विचारों को, अपनी परिस्थिति को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है।